हाँ, अच्छा तो यहाँ हो कटीली। आए? मेरी छमिया, तुझे देखकर बिना आंसू के रोना आ रहा है। क्यों चाचा? अगर तुम हाँ कहती तो इन काले बर्तनों की जगह मेरी पीठ घिस रही होती। अब और मत घिसो कटीली, तुम छोड़ दो इसे, कोई दूसरा कर लेगा। और क्यों करेगा, आपके हाथों में गोबर लगा है क्या? मैं कर देता हूँ कटीली, लोगों के सिर काटने से तो अच्छा है कि सारे बर्तन धो दूँ। चला जा इधर। कैसा धोया मैंने? बढ़िया। सोचो अगर तुम कपड़ों की जगह गुंडों को पटक पटक के मारते तो बड़ा मजा आता। अभी दिमाग मत खा, नहीं तो तुझे कपड़ों के साथ धो दूंगा बिना साबुन लगाए, कह देता हूँ। काटो काटो, अच्छे से काटो, ऐसे ही। हाँ। अच्छा काट रहे हैं ना हम? अरे चाचा जी, आप और यहाँ, आप तो घर का काम भी सीख रहे हैं, तो आप खाना भी बनाने लगे। हाँ। अच्छा है तो कटीली की शादी करवा देते हैं, आप कन्यादान कर देते। क्या कह रही हो? अरे रे, इतना काटा हमने, इतना घिसा हमने, दूध निकाला, कपड़े धोए, क्या डोली उठाकर इसका कन्यादान करने के लिए। अरे कटीली से मेरी शादी करवा दो। क्या माँ जी को पता है? नहीं पता। आप माँ जी से जाकर बात कीजिए। भाभी जी। कहो। सिर पर खेती नहीं हो रही। मैं क्या नारियल का तेल सप्लाई करती हूँ? आपसे शादी की बात करनी है। मेरे तो पोते हो चुके हैं। मजाक छोड़ो ना भाभी, मेरी शादी करा दो ना। ठीक है, लेकिन मरने वाली लड़की कौन है? इस घर की नौकरानी बनेगी आपकी देवरानी। कौन? अब इस घर में क्या 300 नौकरानियाँ हैं? अरे आपकी कटीली है। इस गट्टू की गटीली, बचपन का प्यार है भाभी। कटीली? वो तो बहुत अच्छी लड़की। हाँ भाभी। उसकी जिंदगी मैं कैसे बर्बाद कर दूँ? बर्बाद? ठीक है, वो मान गई है क्या? मैं कतार में हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। किधर है वो? इधर हूँ। तुझे ये बुद्धू पसंद है? हाँ चाचा, पसंद है। इसमें तुझे क्या देखा पगली? उस जितेंद्र में क्या था, उसकी भी शादी हुई ना। उस तातक भैया का नाम मत लो। कहा? क्या ले रहा हूँ? दादी माँ, ये जो है ना, दिखने में ही जितेंद्र है। सब्जी कट कट करके काटते तो सब्जी गायब, बर्तन को घिसते हैं तो बर्तन गायब, इतना दूध निकालते हैं कि पूरी की पूरी भैंस ही गायब, कोई ने आंखें दिखाता है तो ये पूरे ही गायब हो जाते हैं। मुझे ऐसा पति कहाँ मिलेगा माँ जी, जो कुछ बोले ही नहीं, जो कुछ कहे ही नहीं। शादी का मजा तो पति के ना दिखने में है ना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचाइए, मेरा बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर साहब मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर साहब, पूरे इलाके पर ध्यान रखना। यस डॉक्टर, गांव के और भी लोग यहाँ आए हुए हैं। मैंने सभी पेशेंट्स को ड्रिप चढ़ा दी है। ओके। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब। माँ जी, आपका ये बेटा अभी जिंदा है, मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। घबराइए मत, आप ठीक हो जाएंगे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दिन दहाड़े सारे लोगों के सामने तुमने मेरे भाई की हत्या की, आज तुम मेरी ही जमीन पर खड़े हो और मेरे लोग तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। जरा धीरे बोलो, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ के लोगों को जिंदा रखूं, मार दूं या उन सबको काट दूं, यहाँ मैं कुछ भी करूं, इनके बारे में सोचने वाले तुम कौन हो? ए, मारो इन्हें। ए, तेरी लड़ाई मुझसे है, मुझसे लड़। 10 नहीं 20 लाना, बाद में 30 नहीं 40 लाना, उसके बाद पूरी फौज लाना। आई एम रेडी, लेकिन अभी नहीं। चल जा, बाहर में जाओ तुम और तुम्हारे लोग। तुम क्या कर लोगे मेरा? तुझे अगर मारा तो टेस्ट कराते कराते तेरा बाप कंगाल हो जाएगा। जा, आराम खोर। डॉक्टर, मेरे पति का दर्द चला गया डॉक्टर। ड्रिप चालू रखना और हर 6 घंटे में इन्हें टेट्रामाइसिन दे। इन कीड़ों मकोड़ों को जिंदा रखने की जरूरत ही क्या है?
मुझे उन्हें लात नहीं मारनी चाहिए थी। क्या हुआ बेटा? ये दुनिया का कैसा दस्तूर है मां, जान बचाने के लिए जान लेना जरूरी है क्या? ना चाहते हुए भी हाथों को खून से रंगना पड़ता है, और जिन लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूं वही गांव वाले आज मुझसे डर रहे हैं मां। क्यों, क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा मां? नहीं बेटा, तू भगवान नरसिम्हा का खेल समझ नहीं पाएगा। उनका साया हमेशा तेरे सर पर रहा है, वो खुद तुझ में समाकर पापियों का सर्वनाश करने आते हैं। न्याय की लड़ाई लड़ने या राक्षसों का सर्वनाश करने शायद ही कोई देवता होंगे जिन्होंने अपने हाथ में हथियार ना उठाया हो। जब देवों ने ऐसा किया तू तो फिर भी इंसान है। राम भगवान पहले सिर्फ राजा हुआ करते थे, वो भगवान बने रावण का वध करके। लोग तुझसे डरते नहीं, तेरा सम्मान करते हैं। तू वो महान योद्धा है जिसने इस गांव की धरती को अपने खून से सींचा है। तू इस गांव की वो आखिरी ज्योत है जिसे दुनिया की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। वहशियों का वध करना, उन्हें जड़ से खत्म करना कोई पाप नहीं। माँ के लिए स्वर्ग क्या है क्या तुम नहीं जानते? अगर उसका बेटा उसका ध्यान रखे, उसे प्यार करे, उसकी सेवा करे, जो बेटा दुनिया भर की माओं का ध्यान रखे, उसकी माँ दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ होती है। नरसिम्हा भगवान साक्षात मेरे बेटे के रूप में मेरे पास आए हैं। पहले जब हम सड़क पर चलत रहे तो लोग बैंड में पेशाब करत रहे, लेकिन आज जो है लोग हमरा कंधा पर चढ़ के हमरे कान में मोते की कोशिश कर रहे हैं। का फायदा ऐसन जिंदगी का? कहत है क्राइम किया तो मार डालेगा। साला गांधी के खानदान का समझ रहा है का? क्राइम करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कैसे छोड़ दे हम? क्राइम खाता हूं, क्राइम पहनता हूं, का कर ले यू? मार दे हमका। अपना दुश्मन को आसान मौत नहीं देना चाहिए, उसे तड़पा के मारो ताकि दूसरे दुश्मन भी समझ जाएं कि ऐसी दर्दनाक मौत हमरा भी हो सकता है। हाँ, अब वो वक्त आ गया है जब हमरा बेटा उस डॉक्टर का सीना चीरेगा, और तभी डॉक्टर के दिल को चबाऊंगा मैं, और तब मेरे बेटों की आत्मा शांत होगी। सुना तूने? सुना या नहीं? जरूर मिले हमारे भाइयों के आत्माओं को शांति। नरसिम्हा की मौत सिर्फ मेरे हाथों से होगी। हे, पागल हो गए हो क्या? तुम तो अच्छी तरह से जानते हो नरसिम्हा को। वो ऐसा काल है जो अपने दुश्मनों की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा कर देता है। उसका वो विराट रूप तुम दो बार देख चुके हो, मत उलझो। ओ मरेगा, हम मौका मारेंगे। डॉक्टर नरसिम्हा कहां पर है? वो एक अर्जेंट ऑपरेशन करने गए हैं। कैसा ऑपरेशन? जान बचाने वाला या जान लेने वाला?
बैठिए। मैं खूनियों के घर में नहीं बैठता। वो आए तो एक बात बोल देना उसको, जो अब तक हो रहा था वो अब आगे से नहीं होगा। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बेकसूरों की जान नहीं जाएगी, लोगों के दिलों में अब उसका खौफ नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्द ही उसे मैं उठा कर ले जाऊंगा। बचेगा नहीं वो। क्या लेंगे आप, कॉफी या चाय? एनकाउंटर क्या है जानती हैं? ये पुलिस वालों का नया गेम है, नो केस नो इंक्वायरी, ओनली